अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, आप उधर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग, बहुत चीजें हुई, कोर कमांडर थे आप, तो मुझे बताओ कि इसकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। एंड उससे पहले एक बहुत शॉर्ट में सबको बताओ कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ये कैसे एक नॉर्मल दूसरे अटैक से डिफरेंट होती है, क्या मीनिंग है, एंड देन इसको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपने कैसे किया। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, जब एक हार्ट सर्जन हार्ट ऑपरेशन करता है तो वो एक छोटा सा चीरा लगाता है, बाकी ऑर्गन्स अंगों को हटा के सीधा हार्ट तक जाता है। हार्ट में जो भी मान लो वॉल्व चेंज करना है या जो भी उसकी हार्ट की सर्जरी करनी है वो सर्जरी करता है, फिर बाहर ऊपर आकर के स्टिच करता है, बाकी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बाकी ऑर्गन्स को। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि आप बॉर्डर के पार दूसरे मुल्क में घुस गए, आपका टारगेट अंदर है, आप सिर्फ उस टारगेट को नुकसान पहुंचा करके वापस आ जाते हो और बीच में किसी को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचता। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में क्या हो रहा है, इज़राइल हमास की लड़ाई में क्या हो रहा है, कितने सिविलियन मर रहे हैं, तो उसको कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। तो सर्जिकल मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक। गॉट इट। हुआ क्या था अभी एक छोटा सा एक्सप्लेनर आपने पूछा भी क्या हुआ था, ये तो सब जानते हैं। 2016 में 18 सितंबर 2016 जब लोग उड़ी को हाउस द जोश बोलते हैं, मेरे लिए वो इट वाज अ वेरी डार्क डे, संडे था और मुझे फोन कॉल से मैं उठा एक फोन से कि उड़ी में हमारे बेस पे जो बिल्कुल LOC पे था 4 सुसाइड टेररिस्ट घुसाए और वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स, हमने 18 जाने खोई, 18 यंग सोल्जर्स लॉस्ट ऑन माई वॉच, मेरे कोर कमांडर होते होते 18 जाने खोई, वो मैं अपने आखिरी दिन तक वो नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन तब उसी दिन, एक इससे पहले उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर वहां पहुंचे, जबकि मैं नहीं चाहता था कि VIP आए, मुझे बहुत ऑपरेशन वाले काम करने थे, मैं उड़ी गया सुबह हेलीकॉप्टर लेके वापस आया, तो लेकिन वो आ गए दोपहर को। स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी हमारे रक्षा मंत्री थे और मैंने रास्ते भर मैं सोचता रहा, जब वो आ रहे उनके इंतजार कर रहा था कि इससे क्या हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। और लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज पूरे देश में गुस्सा का उबाल है, पूरा देश त्रस्त है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से, मेरे सोल्जर्स मेरे जवानों को बदले की भावना जाग रही, हमारे दिल्ली में जो लीडरशिप है वो एजिटेटेड है, हमने उस पेन को उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया। और जब उन्होंने उनको ब्रीफिंग दे दी उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या करना है, तो मैंने, और ये किताब में लिखा हुआ है एक छोटा सेंटेंस का, ऐसे आप हाँ कह दो मैं कर दूंगा, और मराठी में उन्होंने बोला बरोबर, और फिर उनको जो प्लान बताया हमने कहा हम जाएंगे मल्टीपल इलाके में, लेकिन हम पार जाएंगे, आज तक जो नहीं हुआ अब करेंगे, पार जाएंगे टेररिस्ट टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके लॉन्च पैड्स पे हम अटैक करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुझे याद है उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, उनका ये एक कंसर्न था, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज़ वॉर, कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और इतने बड़े ऑपरेशन जो हमने 10 दिनों के बाद किया, इतने बड़े ऑपरेशन में हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। मुझे ये बताओ कि 10 दिन में पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुआ, तो 10 दिन में क्या हम पहले से ही रेडी थे और उसके बाद सिर्फ एग्जीक्यूशन किया हमने, कि नहीं ये थॉट से लेके एग्जीक्यूशन तक सिर्फ 10 दिन में हुआ, वो कैसे हुआ? देखिए, सीधी बात यह है कि आर्मी हमेशा अलग अलग कॉन्टिजेंसी यानी कि अलग अलग प्लानिंग पे प्लान करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है, हमेशा परपेचुटी में हमेशा,
आर्मी की तरफ से तैयारी होती है, अगर हमें पॉलिटिकली किसी चीज़ की इजाज़त मिलेगी, मतलब लीडरशिप से इजाज़त मिलेगी, तो हम वो जल्दी से जल्द कर सकते हैं। जल्द से जल्द करना ज़रूरी था क्योंकि हमने जो 18 जानें खोई थी, ये ज़रूरी था कि हम उनका बदला टाइम पे लें। ये कोई फ़ायदा नहीं है हम उसको एक साल बाद अगर कुछ करें, और क्या हमने वो पिछले साल जो हुआ था तब किया था। आप उस, अगर आप 2016 को सोचें, उसी साल कुछ महीने पहले पठानकोट के एयरबेस में टेररिस्ट घुसाए थे, उसी साल वो एक 6 मंजिली इमारत पे उन्होंने 66 श्रीनगर के बाहर पंपोर में 66 हॉस्टेजेस लिए थे, जो हमने 2 दिन लगे हमें उनको क्लियर करने में। तो ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन वो करते जा रहे थे, जिसकी वजह से हमने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। ओके, और ये सब 10 दिन में आप लोग रेडी थे इसकी वजह से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि बेसिकली हमारी तैयारी होती है, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं वो ऐसे ही टाइप के ऑपरेशंस की तैयारी करते रहते हैं, और भी कई टाइप के ऑपरेशन जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि हम वो सीक्रेट पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। तो वो इसीलिए जल्दबाजी, मतलब इतनी जल्दी कम समय में हम वो कर पाए। क्या उरी में, जैसे उरी के टाइम पे आप थे, तो ये बताओ कि उस उरी सर्जिकल स्ट्राइक में जो मूवी, आपने मूवी देखी जी, तो क्या था कि उस मूवी में क्या नहीं दिखाया, क्या गलत दिखाया, क्या रियलिटी जो नहीं दिखाई? नहीं, रियलिटी तो वो रियलिटीज तो दिखा नहीं सकते जो पब्लिक को डिस्क्लोज ही नहीं की गई है एज ए मैटर ऑफ ऑपरेशनल सीक्रेट। तो वो बात तो हम तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ एक फैमिलीज का एंगल डाल दिया उसमें, क्योंकि मूवी को सेल करना है, और वो सब नहीं था। ओके, उड़ी कुछ भी नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और तीसरी चीज, उन्होंने एक ही हीरो को प्रधान कर दिया, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। विकी कौशल ही सब कुछ नहीं करता है, अलग अलग टीम्स थी, अलग अलग जगह थे, हर जगह की एक्ट जो ऑपरेशंस थे वो हीरोइक थे, बहादुरी थी, जांबाजी थी, सब सोल्जर्स की बराबर की हिस्सेदारी थी। तो सो वो डिफरेंसेस क्रीप इन कर जाते हैं कि सेलिब्रेट सिर्फ एक किया जा रहा है, दैट इज द, और कुछ द वे दे वर प्लान्ड और द जो उन्होंने चीज़ें दिखाई, उन सब में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें तो वास्तविकता भी दिखाई कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कमांडोज कैसे तैयारी करते हैं, तो वो हमने भी तैयारियां की थी। तो कुछ एक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब एंड प्रोडक्ट होता है और वो ओरिजिनल सेटिंग से, फिर हमारे जैसे देख लोगों को देखने में वो लगता है। जैसे मैं आपको उड़ी का ही बताता हूँ, उड़ी पिक्चर में जो दिखाया कि जो हीरो है, अलग अलग जगह पर स्ट्राइक हो रही है, तो एक जगह पर स्ट्राइक में हिस्सा लिया और दूसरी जगह, उसके बाद वो दूसरी जगह में स्ट्राइक पे पहुंच गया, जबकि वास्तविकता में इन दोनों जगहों का अंतर ही इतना था कि कोई ऐसे एक दोनों जगह अलग अलग टीम्स गई थी, अलग अलग टीम्स तो गई थी, कोई एक जगह से दूसरी जगह एक दिन में क्या 2 दिन में पहुंच भी नहीं सकता इतना डिफरेंस था दोनों की डिस्टेंस में। इससे हम क्या सीख सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से, इससे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है जो आपके लिए थी और हम सबके लिए भी? मैं ये एक चीज़ है जो मैं कई लीडर्स करेक्शन यूथ फोरम में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी बोलता हूँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बोलता हूँ, यानी कि ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है इस बात की, इसमें क्या लेसन मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लुक फॉर, देर विल बी अपसेट्स इन लाइफ, मतलब हमेशा चैलेंजेस होंगी, अपसेट्स होंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन हर फेलियर में छुपी एक अपॉर्चुनिटी है। लुक फॉर दैट सिल्वर लाइनिंग, जब एक डार्क क्लाउड आता है तो कोई सिल्वर लाइनिंग आएगी, वो ढूंढो, वो मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, उस दिन अगर हम सब हताश और निराश होकर बैठ जाते, हमारी तो 11 जवानों की जान चली गई, ये मातम चल रहा है, अगले तीन चार दिन यही मातम पूरे देश में, अलग अलग, कोई हरियाणा में, कोई हिमाचल में, कोई उत्तराखंड में कवर किया जा रहा था, क्योंकि वो इस पे आ रहा था, बिहार में काफ़ी, बिहार के इसमें जवान थे तो टीवी पे, तो अगर हम सब मायूस होकर बैठ जाते, ये तो बहुत दुख हुआ और सबको बहुत दुख है और हम आगे से हम यकीन करेंगे कि हमारे प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो, तो फिर हम अपॉर्चुनिटी खो देते। तो हमने एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, ये अपॉर्चुनिटी को बदला कि आज तक जो नहीं हुआ हमने वो कर दिया। तो मेरा कहने
का मतलब यह है कि आई थिंक इसमें सबसे बड़ा लेसन हम सबकी जिंदगी में, ये हमेशा लड़ाई जरूरी नहीं है कि हम लड़ाई में हो और इनकाउंटर में हो और टेररिस्ट के साथ हो, जिंदगी में जब भी निराशा होती है तो वो ढूंढिए मौका, वो हर जगह मौका मिलेगा। डोंट सी हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन, हैव इट इन यू टू पिक योरसेल्फ अप अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लेते हैं आपके लिए।